करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज के इस ऑटोकैड के डाउट सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल डाउट्स देखने वाले हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आज का जो डाउट सेशन है वो बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर है, तो जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर रिबन पैनल डिसअपियर हो जाए तो वो वापस कैसे अपियर होगा। तो इसके लिए आपका सॉल्यूशन है, दो ऑप्शन है इसमें। अगर रिबन गायब हो जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है, सबसे पहला वाला रिबन कमांड आपको टाइप करना है, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो टैप्स होते हैं, इस टैप्स में ये परफॉर्मेंस के जो बगल में दिख रहा है राइट साइड में, यहां इस सिंबल में आपको एक बार क्लिक करना है, फिर दूसरी बार, और यहां पे चेक करना है आपको कि कौन से टाइम में आपका रिबन परफेक्टली दिख रहा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाला। तो आइए मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। ऑटो कैड में देखिए यहां पे पहले से रिबन अपियर है, ये पूरा कहलाता है रिबन, ये देखिए रिबन पैनल पूरा कहलाता है। यहां पे समझ लेते हैं पहले ये पूरे टैब्स है, ये होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, ये पूरे टैब्स कहलाते हैं और उसके अंदर ये सब टूल्स कहलाते हैं। ओके, तो ये पूरे रिबन पैनल कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रिबन को गायब कर देता हूं। तो रिबन को गायब करने के लिए RIBBON क्लोज एक कमांड है, रिबन क्लोज। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, बहुत सारे छोटे मोटे और कमांड्स आपको सीखने मिल रहा है, तो आप ये समझिए ये भी एक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान से सुनिए सभी। रिबन क्लोज जैसे ही मैं एंटर करता हूं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रिबन पूरा डिसअपियर हो गया है। अब मुझे इसे वापस लेके आना है तो रिबन बटन दबाना पड़ेगा, RIBBON रिबन, एंटर प्रेस करता हूं, ये रिबन फिर से वापस आ गया। एक ऐसा केस होगा, और मान लीजिए कभी गलती से यहां पे प्रेस हो गया, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स में एक बार आपने गलती से क्लिक कर दिया सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड कर देंगे, बहुत सारी चीजें हाइड हो जाएगी। ओके, एक बार गलती से फिर से प्रेस हो गया तो और ज्यादा हाइड हो जाएगा, और अब मुझे फिर से क्लिक करूं तो देखिए क्या होगा, और छोटा हो गया। मतलब अब मुझे वापस लेके आना है रिबन, तो इसे एक बार फिर से यहां क्लिक करना पड़ेगा, तो आप देख पा रहे कि रिबन देखिए अब वापस आ गया, दो बार क्लिक हो गया था। तो मुझे ध्यान देना है कि आपको कौन से वाला यूजर इंटरफेस चाहिए, आप देख लीजिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही बार प्रेस करना है, फिर आपको चेक करना है, फिर प्रेस करना है, फिर चेक करना है। ओके, तो ये है रिबन कमांड का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा ही है, एकदम सिंपल सा है, लेकिन कभी कभी हमें मेहनत करा देता है, इसलिए ये बताना जरूरी है। जैसे हाउ टू ब्रिंग, आप यहां पे देख रहे हैं हाउ टू ब्रिंग, ये जो प्लस का सिंबल है ये कभी कभी नहीं दिखता है, प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है, तो कोई कोई वर्जन्स में आपको पहले से नहीं दिखता। तो ये सिंबल क्या करता है बेसिकली, देखिए इट इज अ शॉर्टकट यूज्ड फॉर ओपनिंग न्यू ऑटोकैड फाइल्स। ये यहां पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो नई फाइल अपियर होती है, अदरवाइज आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे फिर ओपन करेंगे, यहां आपने एक बार क्लिक किया तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो इट इज अ शॉर्टकट, इट इज ऑलवेज यूज्ड। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आंसर देखिए गो टू व्यू टैब, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ये पीपीटी में मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि गो टू व्यू टैब, देखिए जैसे मैंने बताया था पैरामेट्रिक व्यू मैनेज ये सब टैब है, तो व्यू टैब में आप जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे राइट साइड तरफ, देखिए राइट साइड तरफ क्लिक ऑन फाइल टैब ऑप्शन, ये है फाइल टैब ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका जनरेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, ये देखिए मेरे पास पहले से यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, तो मैं चले जाता हूं व्यू टैब में, देखिए व्यू टैब में गया और इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसको ऑफ करूंगा तो ये प्लस वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको तो ये वापस आ गया।
ओके तो एकदम सिंपल सा था, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि सर ये वाला ऑप्शन कहाँ है, दिख रहा नहीं है, प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन आज आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वैसा ही सॉल्यूशन है सेम। हाउ टू शो, देखिए ये जो इसको कहते हैं व्यू क्यूब और ये है नेविगेशन बार, ये दोनों को कैसे दिखाना है अगर आपके में शो नहीं कर रहा है। तो व्यू क्यूब क्यों यूज करते हैं इसको समझ लेते हैं। व्यू क्यूब इज यूज टू शो द मॉडल व्यूज, जो भी आप बनाते हैं उसमें उसको टॉप से कैसे दिखाना है, बॉटम लेफ्ट राइट आइसोमेट्रिक, उसके लिए ये इसको हम यूज करते हैं। और नेविगेशन बार में जूम का एक ऑप्शन है, पैन का ऑप्शन है, ऑर्बिट जो कि 3D के लिए यूज किया जाता है, ये सारी चीज इसमें मौजूद है, तो इससे ना फास्ट होता है, आप जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो सेम है, गो टू व्यू टैब, फिर से व्यू टैब में जाना है। देखिए व्यू टैब में गए और लेफ्ट साइड में क्लिक ऑन व्यू क्यूब एंड नेविगेशन, बहुत आसान सा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए फिर से। ये व्यू टैब में ये व्यू क्यूब पहले से ऑन है मेरा, मैं इसको ऑफ कर देता हूं, तो देखिए बंद हो गया, इसको भी बंद कर देता हूं। ऑन करने के लिए व्यू क्यूब क्लिक किया, नेविगेशन बार क्लिक किया, तो ये आ गया। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ टू शो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस इफ यू स्विच्ड टू अदर वर्कस्पेस। वर्कस्पेस क्या है मैं अभी समझाता हूं आप सभी को, तो फिर हम इस आंसर को मैच कर लेंगे, और जो मैंने ये बताया है ये आपका क्विक रिवीजन होगा ये आंसर के रूप में, तो मैं आपको बता देता हूं पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है वर्कस्पेस। ये देखिए ये जो रिबन आपको दिख रहा है ये पूरा कहलाता है आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पैनल। ओके अब मैं जा रहा हूं यहां पे, कहां पे, नीचे में देखिए एक ऑप्शन है आपके पास, ये कस्टमाइजेशन, यहां पे एक ऑप्शन है वर्कस्पेस स्विचिंग करके लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो नीचे गौर से देखना ये क्या होता है, ये गियर जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको क्या होगा, ये देखिए ये बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि यहां जितनी सारी चीजें राइट का बटन राइट ऑन है ये सब यहां पे दिखेगी स्टेटस बार में। ओके तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखिए आ गया ये, तो पहला आपको बटन ये प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए वर्कस्पेस स्विचिंग क्या होता है, अब इस गियर जैसे सिंबल के बगल में जस्ट मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, तो पहला चेक है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, दूसरा है 3D बेसिक्स, मैं इसको क्लिक करता हूं क्या चेंज आएगा देखना, रिबन पैनल में चेंज आ रहा है और पूरा जो पैनल है वो हो चुका है 3D एटमॉस्फेयर के हिसाब से, पूरा 3D के चीजें आपको सामने दिख रहा है, बॉक्स एक्सट्रूड रिवॉल्व। ओके तो हमारे जो कोर्स में है 3D आप नहीं सीख रहे हैं क्योंकि 3D बनाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि रेविट, गूगल स्केचअप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कम से कम समय लेते हुए अच्छे से अच्छा मॉडल बना के दे सकते हैं, इसलिए ऑटोकैड में सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए हम यूज करते हैं 2D पर्पस बस। तो ये देखिए ये आ गया ऑप्शन, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नया नया शुरुआत करता है ऑटोकैड में उसके सामने ये ऑप्शन रहता है, और मैं जब आपको गाइड करता हूं तो मेरे में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन दिखता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इंजीनियर कंफ्यूज हो जाता है कि कहां से ये चीज आएगी, तो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पे क्लिक किया मैंने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को क्लिक किया तो ये देखिए वापस आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू ब्रिंग मेन्यू बार। कभी कभी क्या होता है पुराने वर्जन में मेन्यू बार दिखता था, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन में मेन्यू बार को छुपा दिया गया है, टूल बार ही दिखते हैं सामने, और मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे और टूल्स है जिसको हम ला के यूज कर सकते हैं, इसलिए मेन्यू बार की हमको जरूरत पड़ सकती है। जैसे डायमेंशंस के ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मेन्यू बार में दिखते हैं, इसलिए आप मेन्यू बार को यूज करेंगे, तो मेन्यू बार को लाने के लिए आपको जाना है टाइटल बार में। ये देखिए ये है आपका टाइटल बार, यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन दिख रहा है, इस सिंबल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मेन्यूज ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे शो मेन्यू बार को आपको क्लिक करना है, बस एकदम सिंपल सा है, मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ध्यान से, ये 2016 वर्जन है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नहीं दिख रहा है, ये है आपका टाइटल बार, तो इस टाइटल बार में आप देख पा रहे हैं ये सिंबल, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है शो मेन्यू बार, जैसे क्लिक करेंगे आपको ये पूरे मेन्यू बार आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ से डायमेंशन देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं क्विक डायमेंशन करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहां से, और अगर आप फिर से छुपाना चाहते हैं तो वापस गए और फिर से हाइड मेन्यू बार कर दिया आपने,
तो ये छुप भी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और उसके आंसर्स एक ही है, क्वेश्चन बहुत सारे, देख लेते इसको। हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड ग्रिप कलर, हाउ टू कंट्रोल द क्रॉस हेयर कर्सर साइजेस, हाउ टू कंट्रोल द ऑटो स्नैप मार्कर साइजेस, हाउ टू कंट्रोल द एपर्चर साइजेस, हाउ टू कंट्रोल द पिक बॉक्स साइजेस एंड ग्रिप साइजेस। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जिसका नाम है ऑप्शन कमांड, ओके। इसका शॉर्टकट है OP। OP जैसे आप एंटर करते हो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और यहीं पे जितने भी क्वेश्चंस अभी ऊपर दिए हुए थे उसका सबका सॉल्यूशन यहीं पे। तो बारी बारी से देखते हैं किसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन है बैकग्राउंड का कलर जो चेंज करना है वो कैसे करेंगे। तो एक बार देखते हैं, ऑप्शन कमांड जैसे ही एंटर करोगे आपको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन में, ये स्टेप वन है। आप इस नोट्स को भी समझते जाइए, मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में ये प्रोवाइड कर दूंगा, तो इन केस आपको कभी रिवीजन करना पड़े तो क्विक रिवीजन भी आप कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां थी। तो मैं आपको इसको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा हमारे वेबसाइट पे। तो डिस्प्ले में स्टेप वन है, फिर उसके बाद आप कलर में जाते हैं स्टेप टू, फिर यूनिफॉर्म बैकग्राउंड आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप थ्री, और यहां पे आपको स्टेप फोर में कलर चेंज करना पड़ता है, यहां क्लिक करना पड़ता है। स्टेप फाइव में आप कलर चेंज करेंगे और स्टेप सिक्स में अप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपली आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे करना है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूं। मैं यहां पे कमांड टाइप करने वाला हूं ऑप्शन, उसका शॉर्टकट है ओपी, या फिर आप ऊपर देखिए एप्लीकेशन मेन्यू दिख रहा है, इसको एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहां पे ऑप्शन करके दिख रहा है ना, तो दोनों ऑप्शन है। ओपी एंटर करता हूं, ये डायलॉग बॉक्स आप सभी के सामने अपीयर हुआ है। इसमें हमको जाना है डिस्प्ले में, जैसे आप देख पा रहे डिस्प्ले, ओके। डिस्प्ले में आप क्लिक करेंगे, नीचे में कलर वाला ऑप्शन था, हम यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ये देखिए 2D मॉडल स्पेस ऑलरेडी है, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ऑलरेडी है, कलर यहाँ क्लिक करना था आपको, उसके बाद चेंज करना है। जैसे व्हाइट में क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ सिनेरियो दिख रहा है चेंज होते हुए, अप्लाई क्लोज करूंगा तो पूरा सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा। ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए है, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहे तो पहले से चेंज करना चाहे तो यहां से कर सकते हैं। तो मैं वापस अभी फिलहाल के लिए रख देता हूं, ब्लैक कलर में गया फिर से और यहां ब्लैक कलर कर दिया मैंने, अप्लाई क्लोज अप्लाई, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाउ टू कंट्रोल क्रॉस हेयर कर्सर साइजेस। बहुत आसान है ये भी, डिस्प्ले में स्टेप वन डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, स्टेप टू यहां नीचे देख रहे क्रॉस हेयर साइज लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ड्रैग लेफ्ट और राइट टू कंट्रोल द साइजेस। अगर ये साइज छोटा बड़ा करना है तो लेफ्ट की तरफ आएंगे छोटा हो जाएगा और राइट की तरफ जाएंगे बड़ा हो जाएगा। क्रॉस हेयर साइज, क्रॉस हेयर किसकी बात कर रहा है देख लेते हैं। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर, ओके। ये क्रॉस का सिंबल दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। अब इसका साइज कम ज्यादा करना है तो उसके लिए हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में फिर से गया मैं और डिस्प्ले में जाता हूं, क्रॉस हेयर 17 है, मैं इसको और बढ़ा देता हूं। ये देखिए इतना कर दिया, अप्लाई किया क्लोज किया, तो आप देख रहे कितना बड़ा हो गया ये, ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप तो यहां से भी इसको साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से ऑप्शन कमांड में वापस जा रहा हूं और इसको पहले जैसे कर देते हैं हम एज इट इज, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया और उसके बाद नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द ग्रिप कलर्स। ग्रिप ये देखिए, अब आपको ग्रिप चेंज करने के सिलेक्शन में जाना है और यहां पे देखिए लिखा है ग्रिप साइज, ओके। सिलेक्शन में स्टेप वन है आपका, स्टेप वन आपको सिलेक्शन में जाना है, स्टेप टू ग्रिप कलर्स डायरेक्ट यहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ग्रिप कलर में आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आएगा और यहां पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है स्टेप थ्री ब्लू कलर, इसको आप क्लिक करेंगे और यहां से चेंज कर सकते हैं, ओके। और स्टेप फोर आपको ओके प्रेस करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए आपको जाना है सिलेक्शन में, आप सिलेक्शन में गए, ग्रिप का साइज और ग्रिप का कलर ये दोनों बदल सकते हैं। तो ग्रिप कलर आपने क्लिक किया और यहां से आपने इसका कलर रख लिया मान लीजिए ग्रीन, ओके प्रेस करते हैं और अप्लाई किया आपने क्लोज किया। ये ग्रिप क्या है इसको मैं दिखा देता हूं एक बार। सपोज मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये देखिए लाइन बन गया, इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं ना इसको बोलते हैं ग्रिप्स, मैंने बताया है ऑलरेडी पहले। ये देखिए इसको बोलते हैं ग्रिप्स। इसका कलर आपको बदलना है इन केस, तो आप यहां से बदल सकते हैं
अगला है हाउ टू कंट्रोल ऑटो स्नैप मार्कर एंड एपेचर साइजेस। अब देखिए जो क्रॉस हेयर कर्सर होता है ना, उसी के बीच में वो जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है उसी को एपरेचर बोलते हैं। अगर उसका भी साइज आपको कम ज्यादा करना है तो आप ड्राफ्टिंग में आके आप यहां से उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। तो ड्राफ्टिंग में हम दो चीज यहाँ पे सेट कर रहे हैं अभी फिलहाल, एक अपरेचर साइज, और पहला अगर आपको सेट करना है जैसे ऑटो स्नैप मार्कर लिखा, ये क्या है, जो स्नैप होता है ना ऑब्जेक्ट स्नैप, उसमें आप देखते हैं ये ऐसा ग्रीन कलर का दिखता है, ये वही है ऑटो स्नैप। ओके, अगर उसका साइज बहुत छोटा है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको भी देख लेते एक बार। तो ड्राफ्टिंग में गया और ऑटो स्नैप मार्कर जो दिख रहा है उसके साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, अप्लाई कर दिया मैंने, क्लोज किया, और अब मैं फिर से एक लाइन कमांड ले रहा हूँ और अब देखिए इसके साइज में कितना डिफरेंस आ गया है। ओके, अब आपको बहुत आसानी से ये दिख रहा है, तो इसके साइजेस को भी कंट्रोल आपको करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल पिक बॉक्स एंड ग्रिप साइजेस। अब देखिए इतनी सारी चीज मैंने बता दी है तो आप ये समझ पा रहे हो कि कितना आसान है। फिर से सिलेक्शन में जाना है, पिक बॉक्स ये जो दिख रहा है पिक बॉक्स, इसके साइज को यहां से ड्रैग करना है और बड़ा करना है। ये पिक बॉक्स क्या है इसको भी देख लेते हैं, यहां पे देखिए कभी भी आप जैसे मूव कमांड लेते हैं, जैसे एम एंटर किया और जहां जहां पे मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहां पे ये ऐसा छोटा सा बॉक्स आता है, इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। ये छोटा दिख रहा है, आपको अगर इसको इंक्रीज करना है तो ये वाला ऑप्शन अच्छा है। तो फिर से आप जाएंगे ऑप्शन कमांड में और यहां पे आप गए सिलेक्शन में और पिक बॉक्स में इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो अभी वो अच्छे से विजुलाइज होगा आपको। मूव कमांड ले रहा हूं एम एंटर और ये देखिए इस बार दिख रहा है आपको, यहां से बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि वो साइज इंक्रीज हो गया पिक बॉक्स का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए सभी। हाउ टू सेव ऑटोकैड फाइल्स इन ओल्डर वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और या तो दूसरे क्वेश्चन से अगर मैं पूछूं तो हाउ टू ओपन न्यूअर वर्जन्स ऑटोकैड फाइल्स इन ओल्डर वर्जन्स, ठीक है। इसको पहले समझते हैं हम कि अभी क्या हो रहा है, हर साल ऑटोकैड अपना वर्जन अपग्रेड करता है, तो जो 2020 मान लीजिए अभी ऑटोकैड 2020 आपके पास वर्जन है और आपने उसमें कोई फाइल बनाई और आपने यहां से मेल किया किसी को वो ऑटोकैड की फाइल, और उसके पास मान लीजिए 2016 की फाइल है ऑटोकैड का वर्जन है, तो वहां पे वो फाइल नहीं खुलेगी जब तक कि आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी छोटी सी ऑप्शन कमांड में, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है एग्जैक्टली, ऑप्शन कमांड में ही जाना है और ऑप्शन कमांड में ओपन एंड सेव एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए लिखा है फाइल सेव, सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एज में जो पहला वाला ही दिख रहा है यहां पे AutoCAD 2010/LT2010 drawing.dwg, ये ऑप्शन आपको चेक करना है। मतलब मैं उसको कमांड दे रहा हूं कि आप जो भी फाइल सेव करोगे वो AutoCAD 2010 के वर्जन तक सेव कर लो। मतलब अगर आप इस AutoCAD के फाइल को 2010 और उस 11, 12, 13, 14 में ओपन करते हैं तो ये सब में ओपन हो जाएगा। देखिए आमतौर में क्या हो रहा है, अभी 2009 वाला जो वर्जन है वो मतलब यूज ही नहीं कर रहे कोई, मतलब 2010 के बाद ही यूज कर रहे। अगर इन केस 2009 में भी आपको ओपन करना है तो आपको एक ऑप्शन और क्लिक करना पड़ेगा, नीचे आ जाता हूं मैं, सबसे लोवेस्ट वर्जन में हम चलते हैं जो कि AutoCAD R14/LT98/LT97 drawing DWG, या फिर आप चाहे तो ये देखिए 2004 भी ओपन कर सकते हैं, इतना पुराने जाने की जरूरत नहीं है, तो 2010 आप चेक कर दीजिए उतना काफी होगा। यहां आपने अप्लाई किया, क्लोज किया। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये फाइल आपने बनाया, यहां से सेव कर लिया, अब बाहर निकले आप सेव करके और इस फाइल को आप भेज दीजिए जिसको भी भेजना है, और फिर जब वो ओपन करेगा तो वो आसानी से ओपन हो जाएगी वाली फाइल। ओके, इन केस अगर ओपन नहीं हो रही, मतलब समझ जाना कि आपने सेटिंग गलत की है या नहीं की है, तो फिर से आपको वही वर्जन में रहते हुए आपको ओपन करना है, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आप
ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वर्जन टू वर्जन चेंज कर सकते हैं। तो आपको नेट से कनेक्ट होना पड़ेगा और वहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लैपटॉप में एक बार सेटिंग करके रख लीजिए, वो ऑन रहेगा हमेशा के लिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाइल सेविंग ऑटोकैड फाइल, जब ऑटोकैड की फाइल को हम सेव करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सेव डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपियर, देन हाउ टू प्रोसीड। क्या होता है कि जब आप सेव करते हैं, कंट्रोल एस जैसे आप प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आता। क्या आता है फिर, देखिए यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि इफ इन फाइल डाया, ये फाइल डाया एक कमांड है, तो फाइल डाया के कमांड में अगर वैल्यू जीरो लिखी हुई है तो वो जो डायलॉग बॉक्स है वो अपियर नहीं होगा। ओके, व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू सेव फाइल देन दिस अपियर्स, क्या अपियर होता है, ये अपियर होता है, नीचे सेव करने देता है, और यहां से आपको ना थोड़ी दिक्कत होती है सेव करने में। तो उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप फाइल डाया के कमांड में जाके इसकी वैल्यू को आपको करना है वन। बहुत इजी सा कमांड है ये, देख लेते हैं इसको एक बार, लेकिन प्रॉब्लम करता है कभी कभी क्योंकि पहले से ना प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है, हर लैपटॉप में अलग अलग सेटिंग पहले से होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आता है और फंसते हैं फिर हम। इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है, कमांड का नाम है फाइल डाया। ये देखिए मैं फाइल डाया कमांड में पहले मैं कंट्रोल एस प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ एस जैसे ही प्रेस किया, देखिए मेरा यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो अब मैं एस्केप बटन दबा रहा हूं और मैं फाइल डाया कमांड में जा रहा हूं, एफ आई एल ई फाइल डाया, फाइल डाया जैसे ही एंटर करता हूं, देखिए नीचे जो वैल्यू है वो है जीरो, इसलिए नीचे ही ऑप्शन खुल रहा था सेव करने का, तो मैं इसको वन कर देता हूं। जैसे आप वन करेंगे एंटर प्रेस करना है आपको। अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस किया, ये देखिए अब यहां से ऑप्शन आ रहा है और बहुत आसानी से अब यहां पे आप सेव कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इजी था, लेकिन कभी कभी ये छोटी मोटी चीजें हैं बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। इसी तरह से मैं और भी इंपॉर्टेंट पूरे हर एक डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जितने भी डाउट्स आएंगे ऑटोकैड से रिलेटेड और आर्किटेक्चरल ड्राइंग से रिलेटेड, सबमिशन ड्राइंग से रिलेटेड, कोई भी टर्मोलॉजी से रिलेटेड, हर एक डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। मतलब एक भी सिंगल परसेंट भी आपका डाउट नहीं रहने वाला ऑटोकैड और उससे पूरे रिलेटेड जितने भी सिविल ड्राइंग से डील आप करने वाले हैं मेरे थ्रू। इसी प्रकार से सिविल गुरुजी के बाकी भी डाउट सेशंस होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, एस्टिमेशन, बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, वो सारे डाउट सेशंस में आपको इसी तरह से पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।